बिस्मिल्लाह इस्लामी को आज मैं आपको चिकन स्टू की रेसिपी दे रही हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी से मैं आपको सिखा रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी होता है, बहुत ही जल्दी से बन जाता है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए मेरे पास चिकन है बोन वाली, और ये मेरे पास 1 किलो है। इसके मैंने बड़े बड़े साइज़ के पीसेस कर लिए हैं, सालन टाइप के जो होते हैं। ये लेग पीस वाला पूरा है और बाकी जो है मैंने इस तरह के पीसेस कर लिए हैं। ठीक है, 1 किलो है बोन के साथ। आप इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इसके साथ यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट है मेरे पास 3 टेबलस्पून भर के। प्याज मैंने यहाँ पर ली है तकरीबन 400 ग्राम्स के करीब। इसके लिए प्याज आपको ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि ये इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो प्याज ही है। तो 400 ग्राम्स के करीब प्याज ली है मैंने, रेड वाली ली है। आप नॉर्मल ब्राउन वाली यानी भी यूज़ कर सकते हैं, स्लाइस कर लिए। टमाटर ली है तकरीबन मैंने 4 से 5 अदर, छोटे हैं तो 5 ले लीजिएगा, नहीं तो 4 बड़े साइज़ के ले लें। चॉप कर लिया है फाइनली मैंने इनको, बस मोटा मोटा चॉप करा है। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं 4। आप इसको कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लेमन यूज़ करूँगी, फ्रेश लेमन लास्ट में, बिल्कुल फ्रेश। कोरिएंडर होगा हमारे पास, योगर्ट होगी तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब योगर्ट है मेरे पास। स्पाइसेस ज़्यादा ज़्यादा नहीं जाते इसके अंदर, तो स्पाइसेस जो है यहाँ पर सारे, पहले मैं आपको होल स्पाइसेस दिखा देती हूँ। एक तेज़ पत्ता है, इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। ये जो चिली, ड्राई चिली होती है, ये मैंने लिए यहाँ पर एक, इसको मैंने पीसेस में कर लिया है। ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्ची हमारे घर में कम खाई जाती है तो मैंने यहाँ पर एक ली है, आप यहाँ पर 2 या 3 भी ले सकते हैं। इलायचियाँ हैं मेरे पास 5 से 6 अदर, तकरीबन 4-5 लौंगे हैं, 8-10 दाने काली मिर्चों के हैं इसके अंदर, 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून साबुत जीरा है, स्टार नीज है मेरे पास एक, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है, भुना कुटा हुआ जीरा लिया है 1 टीस्पून, और आधा टीस्पून जो है मैंने यहाँ पर गरम मसाला लिया है पिसा हुआ। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, आपने देगची ले लेनी है सबसे पहले, और इसके अंदर हमने डालना है यहाँ पर 1/2 कप तेल। हीट मेरी ऑन है तो ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, तो साथ ही हम इसमें अपने सारे ड्राई स्पाइसेस जो आपको दिखाए थे वो डाल देंगे, और हम इसको तकरीबन 10 से 20 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ये हमने डाल दिया इसके अंदर। बस हम 10 से 20 सेकेंड्स के लिए इनको फ्राई करेंगे ताकि एक हल्का सा सारे जो खड़े मसाले हैं इसका फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए। अब हम इसमें साथ ही जो है शामिल करेंगे अपनी प्याज जो हमने स्लाइस करके रखी हुई है, ये सारी डाल देंगे। और हमने इसको इतना पकाना है कि इसका कलर जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाए। तो हमने इसको ब्राउन कलर नहीं देना, हमने सिर्फ इसको ट्रांसलूसेंट करना है, हल्का सा पिंकिश कलर को हमने देना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर। तो ये देखें, प्याज जो है हमारी ट्रांसलूसेंट हो चुकी है, हल्के से बिल्कुल हल्का सा जो है सॉफ्ट हो चुकी है, हमने इसको कलर बिल्कुल नहीं दिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी चिकन सारी और इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। तो चिकन को हमने इतना पकाना है कि इसकी स्किन जो है ऊपर से चेंज हो जाए कलर और बिल्कुल वाइटिश फॉर्म में आ जाए, और हम इसको जब तक भूनते रहेंगे तकरीबन मीडियम टू, थोड़ा सा हाई है मेरे पास, मीडियम टू हाई पे हम इसको रखे इतना भूनेंगे कि स्किन का कलर चेंज हो जाए, और उसके बाद फिर मैं आपको तकरीबन दिखाती हूँ 5 से 7 मिनट के बाद। चलिए यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि नमक भी हम साथ ही डाल रहे हैं चिकन के, तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास है, लेकिन हम इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे चक्कर। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। जब भी आप चिकन पका रहे हो, जब इस स्टेज पे हो तो आप नमक ऐड किया कीजिए, क्योंकि उससे ये होता है कि चिकन के अंदर सारा फ्लेवर नमक का आ जाता है। किसी किस्म की भी आप चिकन बना रहे हो तो जब आप इसको फ्राई कर रहे हो घी में, तो उसके साथ ही आप नमक ऐड कर लें। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको भूनते हैं, ठीक है, 3 से 4 मिनट के लिए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो आपको दिखाया था, ये सारा डाल देते हैं, और हम इसको 2 से 3 मिनट अगेन भूनेंगे, और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और छोड़ देंगे पकने के लिए। तो मैं इसको 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी पहले। और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। तो मैं भूनती हूँ अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट, फिर मैं आपको अगेन दिखाती हूँ। तो चलें यहाँ पर आप देख लें, अच्छी तरह से मैंने भून लिया था इसको 3 से 4 मिनट कवर करके। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ टमाटर और हरी मिर्चें।
जो आपको दिखाई थी वो, और साथ ही में जीरा गरम मसाला थोड़ा सा जो मेरे पास था वो डाल रही हूँ। नमक आप प्लीज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको 1 टीस्पून कम लगता है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों के साथ हम इसको मीडियम पर रख कर भूनेंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं इसके अंदर लास्ट में ऐड करने लगी हूँ टमाटो प्यूरी, जो टमाटो पेस्ट जो होता है वो 1 टेबल स्पून भर के, इससे एक बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके अंदर और एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा, और साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया भी। और अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से भूनेंगे और पकाएंगे भी। अब हमने इसको इतना पकाना है कि चिकन हमारी कम्प्लीटली डन भी हो जाए और भुन भी जाए। तो पहले मैं इसको टमाटो प्यूरी के साथ थोड़ा सा भूनूंगी। अगर आप टमाटो प्यूरी नहीं ऐड करना चाहते तो आप कलर के लिए जो है कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइस इसके अंदर कम लगता है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल लीजिए, और अगर आपको स्पाइस कम चाहिए और सिर्फ कलर के लिए चाहिए तो आप टमाटो प्यूरी ऐड कर लें। मैं इसको मीडियम पे कर देती हूँ और कवर कर देती हूँ पकने के लिए। इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन हमारी यहाँ पर बहुत जल्दी गल जाती है, तो तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसको कुक करेंगे जब तक हमारी चिकन कम्प्लीटली डन हो जाए। कवर करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ गला के। चलिए यहाँ पर आप देखें, जब आपको लगे कि आपकी चिकन गल गई है तो आपने ढक्कन हटा देना है और आँच को तेज़ कर लेना है। और अब हमने इसको इतना भूनना है कि ऑयल इसका सरफेस पे आ जाए और ये स्मूथ सा मसाला ग्रेवी वाला जो है वो रेडी हो जाए। इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि आपको ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप ड्राई रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही बना लें। तो मैं इसके अंदर पानी अभी बिल्कुल शामिल नहीं कर रही हूँ, चिकन मेरी ऑलरेडी गल चुकी है और मैं इसको भून रही हूँ। अब मैं इसके अंदर भूनते भूनते जो है योगर्ट आपको दिखाई थी, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ये डाल के हम भूनते जाएंगे साथ साथ, और इसको हम कम्प्लीटली ड्राई करेंगे और फिर हम इसको गार्निश करके डिश आउट कर देंगे। तो ये मैं योगर्ट डाल रही हूँ साथ साथ, और इसको तेज़ आंच पर ही आपने भूनना है कि इसका ऑयल जो है सरफेस पे आ जाए। अगर आपको ऑयल कम लगता है या आप थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1/2 कप डाला था और फिर तकरीबन 2 टेबल स्पून और ऐड किया था। तेज़ आँच पर इसको भूनते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हमने गार्निश कर लिया है हल्के से लेमन के साथ। इसको आप थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं सर्व करने से पहले, और उसके बाद आप इसको हरा धनिया से गार्निश कर लें। रोटी से, चपाती से, नान से, जैसे भी आपको पसंद है आप उसको खाएं, इंजॉय करें। चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत ही सिंपल और ईजी स्टू ये बन के रेडी हुआ है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।